महोदय, जो निलंबित माननीय सदस्य हैं उनको कम से कम बाहर किया जाए। माननीय सदस्य अपने स्थान पर, माननीय सदस्य आप मैंने सुनूंगा प्लीज, माननीय सदस्य मैं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। आई एम ऑन चिलेग, यू टेक माई परमिशन, आई एम ऑन लेग जेंटलमैन, आई एम ऑन लेग। आप पार्लियामेंटेरियन है प्लीज, आई एम ऑन लेग, आई सेड I am on leg. I am saying I am on leg. If you don't want to do it, you have a right to go outside. I am on leg. I said I am on leg. I am saying I am on leg. I will name you. Mr. Rathod, I will name you. I tell you, I name you. काल प्रेस 21 संसदीय परंपरा को मुझे ज्ञान दे रहे हैं, संसदीय परंपराओं का सबसे बड़ा उल्लंघन करने का किसी को श्रेय जाता है तो राजेंद्र राठौड़ को जाता है, जो उपनेता बनकर यहां पर लोगों को हल्ला करवा रहे हैं। चार सदस्यों को कल बाहर निकाला, आप संसदीय परंपरा के अनुसार चारों सदस्यों को सदन पे बाहर रखकर हाउस में आते, ये परंपरा होती है? ये परंपरा नहीं होती है। ऑल पावर वेस्ट विद स्पीकर, यू डोंट, मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है, खुद गाइड होइए पहले और अच्छे पार्लियामेंटरियन बनिए। मंत्री जी, ये आप जो परंपरा डाल रहे हो पुरानी है। आप अध्यक्ष के निर्णय के बाद चार सदस्यों को बाहर निकाल रखा है और हाउस में लेकर आप हल्ला करवा रहे हैं, ये परंपरा बनाने जाते हैं? ये किसने आपको, आप ये जो परंपरा बना रहे हैं ना, ये इतिहास लिखा जाएगा कि राजेंद्र राठौर जो अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहता था, वो राजस्थान में पार्लियामेंट की परंपरा को तोड़ने का श्रेय इसको जाता है। प्रश्नकाल कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ये प्रश्नकाल का जो मजाक उड़ाने का काम किया ना, वो राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, और सरकार पर और संसद में अपनी कार्रवाई थोपने का अधिकार नहीं है। इस तरह से कार्रवाई थोपकर आप संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। कल आप भी सत्ता में आओगे और सत्ता में आने के बाद जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो वो संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करेगा। आप अपनी बात कीजिए, सरकार अपनी बात कहेगी और जनता निर्णय करेगी, पर जनता के निर्णय करने का अधिकार आपको नहीं है। ये हाउस डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डिसेंट करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए विपक्ष को पूरा अधिकार है और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। पर सदन में इस तरह से कार्रवाई थोपने का जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संसदीय लोकतंत्र का निर्माण करिए, इस प्रश्नकाल की गरिमा को बनाए रखिए। आपको पूरा अधिकार है, आप अपना प्रोटेस्ट करिए, लेकिन यदि आपके सदन के सदस्यों को बाहर निकाला है तो ये तरीका नहीं होता है कि उनको अंदर लाने के लिए आप इस तरह की अव्यवस्था करें। मुझे बहुत दुर्भाग्य कटारिया साहब, मैंने कल विश्वास किया था आप पर और मैंने कहा था कि आपके सदस्य आके बैठेंगे और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने इन सबकी इच्छा के खिलाफ फैसला किया कि आपको रात को तकलीफ नहीं हो, आप अपने घर पे जाएं, आप बैठ कर निर्णय करें। पर हाउस में आकर जिन सदस्यों को निकाला गया उनके साथ बैठकर इस तरह का काम करें, ये मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूँ, जिन चार माननीय सदस्यों को कल बाहर निकाला है वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे और आप में सदन में आकर बैठे, क्या चर्चा करनी है? मैं तैयार करने बात करने के, लेकिन सदन में इस तरह का निर्णय करने का जो आप काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके उन चार सदस्यों को ना पक्ष में बैठाइए, फिर आइए मेरे चैम्बर में, फिर जो बात करनी है वो बात करेंगे। लेकिन अब आपने ये परंपरा बनाई है, मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे गलत काम हो जाएगा। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कटारिया साहब, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये उपनेता हैं, मैं फिर अपील करना चाहता हूँ, चार सदस्य जो आपको कल बाहर निकाले हैं वो नापक्ष की लॉबी में जाकर बैठे, फिर मेरे चैम्बर में आके बात करें, मैं आपको जरूर मानूंगा। लेकिन यदि इस तरह की कार्रवाई करने का काम करेंगे तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा और सदन चलेगा और आपकी इच्छा जो करना। नहीं जाना आपको, मैं फिर बोल रहा हूं आपको विनम्र शब्दों में, कल सदन में निर्णय हुआ था कि चार सदस्यों को निलंबित किया है। मैंने
कल आप सबकी भावना को समझकर ये कहा कि आप जाइए अपने घर पर और कल आपके नापक्ष में चारों सदस्य आएंगे, आपके बैठ के फैसला करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर वो चार सदस्य हाउस में आकर आपके साथ बैठकर इस तरह का व्यवहार करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण।